हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाली हूँ गुड वाइब्स के ऑरेंज जेल का। सभी को पता है गुड वाइब्स के प्रोडक्ट होते हैं नो पैराबेन, नो सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री होते हैं, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है। ये देखिए, इसका जो वेट है वो 50 ग्राम है और इसे यूज़ करते हुए मुझे 15 से 20 दिन हो चुके हैं। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये इस तरह की एक टब जार में आता है जो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है आपको कैरी करने के लिए। बहुत ही आसानी से आप इसे अपने बैग में डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 50 ग्राम का प्रोडक्ट है तो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, आराम से कैरी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट इसमें काफ़ी डाल रखे हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल भी है, थोड़ा बहुत इसमें कलर भी डाला है, परफ्यूम भी डाला है, टी प्योर है, सोडियम है, मतलब काफ़ी सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की। तो ये 2 साल तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो है 175, लेकिन purple.com पे हमेशा अच्छी सेल चलती रहती है। अभी उसमें हॉट समर सेल आएगी तो उसमें आप इसे ज़रूर परचेज़ करके एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और मैं अपना जो है कूपन कोड डाल दूंगी जिसके थ्रू अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ डिस्काउंट। आगे इसमें मेंशन किया हुआ है कि ऑरेंज के अंदर होता है विटामिन सी, जिससे आपकी स्किन को ये डैमेज होने से बचाता है, ऑयल को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। कुल मिला के ये बताया गया है कि इसके अंदर जितनी भी क्वालिटी हैं वो आपकी स्किन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। आगे इसमें मेंशन किया हुआ है कि क्रिएटेड फॉर ऑल एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो इसका टेक्सचर है और जिस तरह की ये जेल बनाया गया है वो ऑल स्किन टाइप है। आप किसी भी स्किन टाइप के आप इसे समर में ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन है, मुझे शूट कर गया तो ये ज़रूर आपको भी शूट कर सकता है। लेकिन किसी भी क्रीम या किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो आपको प्रॉपर तरीके से शूट करेगा या नहीं। तो चलिए हम प्रोडक्ट को खोल कर देखते हैं। तो जब हम इसकी कैप को हटाते हैं तो हमें अंदर से ये लीड मिलती है जो कि हमारे प्रोडक्ट को सेफ रखती है, ये देखिए। उसके बाद हम जब इसे हटाते हैं तो हमें हमारा प्रोडक्ट अंदर से नज़र आता है और ये बिल्कुल जेल फॉर्म में है। इसके अंदर हल्का सा कलर डाला हुआ है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आती है ऑरेंज टॉफ़ी की तरह, जो आपने बचपन में खाई होंगी। वैसे अभी भी मिलती हैं पर अब हम इसे इतना नहीं खाते जितना हमने बचपन में खाई थी। तो वो हल्की सी इसके अंदर फ्रेग्रेंस आती है, जो कि जब आप इसे यूज़ करते हैं तो वो यूज़ जब आप इसे अपने फेस पे लगाते हैं इतने में वो जो स्मेल है वो गायब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही वो आपको ऑरेंज की जो स्मेल है वो आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, मिनटों में गायब हो जाती है। और इसकी जो जेल कंसिस्टेंसी, जब आप इसे यूज़ करते हैं तो थोड़ी ही देर में ये स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, किसी प्रकार का चिपचिपापन भी ना आपकी स्किन पे नहीं रहता है। तो इसको लगाने के बाद आपकी स्किन में एक हल्का सा ठंडक भी आपको मिलती है और ये मिनटों में जो है ऑब्ज़र्व हो जाती है, फ्रेग्रेंस भी थोड़ी देर में ही गायब हो जाती है। लेकिन आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया है, गर्मियों का सीज़न है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, नो पैराबिन, नो सल्फेट, काफ़ी कम केमिकल के साथ बना हुआ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे यूज़ कैसे करना है आपको एक डेमो बताती हूँ। तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फेस को कर लीजिए वॉश अच्छी तरीके से, किसी प्रोडक्ट के साथ जो आपको शूट करता है उससे अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी आपको क्वांटिटी लेनी है। इस प्रोडक्ट को लगाने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी आपको क्वांटिटी लेनी है। ये देखिए, बहुत ही थोड़ी सी मैंने इसकी क्वांटिटी ली है।
अब इस तरीके से उंगलियों से रब करते हुए मैं पूरे फेस पे इसे टैप टैप करते हुए लगा लूँगी और हल्का सा मसाज करूँगी, मुश्किल से एक मिनट का बस। और अपने फेस पे और बचा हुआ प्रोडक्ट अपने गर्दन पर भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मिनटों में ऑब्ज़र्व हो जाता है आपकी स्किन ना ड्राई रहती है ना ही ऑयली रहती है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्किन का टेक्सचर हो जाता है। ये देखिए, इसी वजह से मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि इसके कारण ना तो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है ना ही ज़्यादा ऑयली होती है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत ही पसंद आया है। तो इसको यूज़ करने के बाद आप ऐसा कॉम्पैक्ट लगाएं जिसमें हो SPF, जिससे आपको यूवी रेज से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिले। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।